हरियाणा के लिए मोदी की धाकड़ सेना तैयार। स्टार प्रचारकों में एक से एक बड़े नेताओं का नाम, पर एक कट्टर सनातनी नेता पर मोदी ने खेला दाव। अब ये हिंदुत्व का चेहरा दिलाएगा चुनाव में जीत। नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बात बीजेपी की करें तो हरियाणा में फिलहाल अभी उन्हीं की सरकार है और इस सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए बीजेपी शाम दाम दंड भेद सब अपना रही है। चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के लिस्ट जारी किए गए हैं। एक एक प्रत्याशी को बीजेपी आला कमान ने सोच समझ कर मैदान में उतारा है और अब इसी बीच बीजेपी की तरफ से अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। मोदी के 40 बड़े नेताओं को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस लिस्ट में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सीएम योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान समेत कई धाकड़ नेताओं के नाम शामिल है और इन्हीं में से एक है कट्टर सनातनी, हिंदुत्व का उभरता हुआ चेहरा और अपनी शांत स्वभाव होने के बाद भी धाकड़ फैसले लेने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि के नाम से भी जानते हैं, एक छोटा सा राज्य है पर यहाँ पर अपने गजब के फैसले लेने के लिए मशहूर सीएम धामी को देश भर में जाना जाता है। लोग उनकी छवि से प्रभावित भी होते हैं। अपने अहम फैसलों की वजह से सीएम धामी हमेशा ही चर्चा का विषय भी बने रहते हैं। बात चाहे समान नागरिक संहिता की हो, नकल विरोधी कानून की हो, धर्मांतरण कानून की हो या फिर लैंड जिहाद की, अपने इन कड़क फैसलों की वजह से सीएम धामी अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं और शायद यही वजह है कि बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम धामी को कभी नहीं भूल सकती। बीजेपी धामी की सख्त और कुशल प्रशासक वाली छवि को हरियाणा में भुनाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी के जीतने का एक अहम फैक्टर होगा लोगों के अंदर हिंदुत्व का होना। हरियाणा में हिंदू राष्ट्रवादी भावनाएं काफी ज्यादा इनका डंका बजता है। हाल ही में हुई गौ हत्या और सांप्रदायिक झड़पें इसका जीता जागता सबूत है। जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान हुए जश्न, हरियाणा सरकार के लव जिहाद कानूनों को समर्थन और 2023 में नूह जिले में मुसलमानों पर हुई कार्रवाई को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। हिंदुत्व के प्रति समर्थन भगवा पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत है और यही सत्ता विरोधी लहर से उबारने में भी मदद कर सकता है और इस हिंदुत्व वाले फैक्टर को बीजेपी हाथ से जाने नहीं देगी। ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम धामी इसमें कुशल और योग्य है। देश भर में हिंदुत्व और सनातन का परचम लहराने में सीएम धामी की हमेशा ही मुख्य भूमिका रही है। ऐसे में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सीएम धामी को स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतारना बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बीजेपी का सीएम धामी पर खेला गया ये दाव हरियाणा चुनाव में कितना फायदेमंद हो सकता है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।